अल्लाह सुबहान तआला ने हजरत आदम को सफीउल्लाह का नाम अता फरमाया। सफीउल्लाह कहते हैं अल्लाह सुबहान तआला ने जिसको चुन लिया। और एक सहाबी ने कहा कि अल्लाह सुबहान तआला ने हजरत नूह को नजीउल्लाह बनाया, यानी उनको तूफान नूह से नजात अता फरमाई। फिर और एक सहाबी ने कहा कि अल्लाह सुबहान तआला ने मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, यानी अपने से हम कलाम होने का मुकाम मर्तबा अता फरमाया। और एक सहाबी ने कहा कि अल्लाह ने ईसा को रूहुल्ला बनाया। और एक सहाबी ने कहा कि दाऊद को खलीफतुल्ला बनाया। सब सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहि अजमईन एक एक नबी की तारीफ और तौसीफ बयान कर रहे थे। इतने में आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल में तशरीफ लाए। सुनो सुनो मेरे सहाबा, जैसा कि तुमने कहा है कि अल्लाह ने हजरत आदम को सफीउल्लाह बनाया है, यकीनन हक है। ये नूह को नजीउल्लाह का लक़ब अता फरमाया है, हक है। मूसा को कलीमुल्लाह बनाया है, इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया है, दाऊद को खलीफतुल्लाह बनाया है, ईसा को रूहुल्लाह बनाया है। सुनो मेरे सहाबा, अल्लाह ने मुझे अपना हबीबुल्लाह बनाया, हबीबुल्लाह का लक़ब अल्लाह ने मुझे अता फरमाया। हबीब का मतलब क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुदाए पाक खुद उनसे मोहब्बत करता। इसीलिए खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।